और अब बात करते हैं बिहार की, जहां विधानसभा में बहुमत साबित करने से पहले जदयू में बगावत हो गई है। जदयू विधायक गोपाल मंडल ने केंद्र पर हमला बोला, लालू परिवार पर ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए, केंद्र पर ईडी के दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया है। अभी कुछ ही दिन हुए नई सरकार को बने, नीतीश कुमार ने फिर से पाला बदला और एनडीए खेमे में चले गए हैं। चार दिन ही हुए हैं नई सरकार का गठन हुए और बगावत की ये चिंगारी जदयू में नजर आने लगी है। तो क्या बिहार में फिर से कुछ बड़ा होगा? क्या इस कई विधायक जो लगातार पार्टियां दावा करती हैं कि वो उनके संपर्क में हैं, क्या ऐसा देखने को मिलेगा? क्या विधायक टूट सकते हैं लोकसभा चुनाव से पहले? क्या दल बदल का मामला तेजी से दिख सकता है? क्या ये ऐसे सवाल हैं जो उठ रहे हैं? क्या नीतीश के इस कदम पर, बार बार पलटने के कदम पर, उनके विधायक उनसे नाराज हैं या फिर कई विधायक हैं जो राजद के संपर्क में हैं? क्योंकि तेजस्वी ने भी कहा था कि हमने तो अपने पत्ते खोले ही नहीं हैं, हम ये क्यों बताएं कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं। तो क्या जो फ्लोर पर सरकार को बहुमत साबित करना है वो मुश्किल होने वाला है? कई ऐसे सवाल हैं जो अब इस तरह के बयानों से उठने लगे हैं। इस वक्त हमारे साथ बिहार संपादक एस के राजीव फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजीव, जिस तरह से गोपाल मंडल का जो बयान आया है ईडी को लेकर, उन्होंने केंद्र पर हमला बोला है, जो लालू परिवार पर ईडी की कार्रवाई हो रही है, तो क्या ये माना जाए कि जब इस सरकार का फ्लोर टेस्ट होगा तो उसके लिए मुश्किलें आ सकती हैं? बगावत के अब सुर तो दिखने लगे हैं। देखिए आसिया, दरअसल में जब बिहार में सरकार का गठन हो रहा था उस समय भी गोपाल मंडल भागलपुर में एक बयान दे रहे थे। उन्होंने यह कहा कि नीतीश कुमार जी जो है वो भाजपा के साथ जाकर के ठीक नहीं कर रहे हैं, उनको भाजपा के साथ नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे कहीं ना कहीं से लोगों में जो है वो असंतोष की भावना पन जाएगी। फिर ये वही गोपाल मंडल है जो फिर दूसरे दिन जब सरकार वोट लेती है उसके बाद ये कहते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी तो इतने बड़े हाथी हैं जो जब चाहेंगे हमारा जैसे चीटी को वो जब भी मसल देंगे। और उन्होंने सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर कहा कि भाजपा के साथ उनका जाना जो है वो सही है। क्योंकि एक बार फिर गोपाल मंडल का एक बयान आया है, उन्होंने ईडी की कार्रवाई को गलत बताया है और यह कहा है कि जो मामला खत्म हो चुका था उस मामले में फिर से लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को तंग जो ईडी कर रही है वो कहीं ना कहीं से गलत हो रहा है। हालांकि एक खबर यह भी आ रही है जो कि आपको पता है कि जब सरकार का गठन हो रहा था उस समय भी खबर आई थी कि लगभग 10 से 12 जेडीयू के विधायक जो हैं वो नीतीश कुमार के साथ नहीं है, विधिवत उन्होंने अपना हस्ताक्षर नहीं किया है। हालांकि बाद में जब नीतीश कुमार ने अपना समर्थन पत्र सरकार को सौंपा, राज्यपाल को सौंपा, तो उसमें विधिवत तमाम जेडीयू के 45 विधायक का दस्तखत किया हुआ था। लेकिन एक खबर अभी फिर ये आ रही है कि लगभग जेडीयू के 7 से 10 विधायक जो है वो फ्लोर टेस्ट के दिन जो है वो हो सकता है कि वो अनुपस्थित हो जाए। और आपको ये याद होगा कि तेजस्वी यादव ने आज से 2 दिन पहले जब सरकार ने शपथ लिया था उसके बाद एक बयान आया था तेजस्वी का, और तेजस्वी ने कहा था कि बिहार में तो असली खेला अब शुरू होगा। तो अब आखिर इसके क्या मायने हैं, ये 10 तारीख को जब फ्लोर टेस्ट होगा तभी पता चल पाएगा। लेकिन इतना तय है गोपाल मंडल के इस बयान ने यह बता दिया है कि जदयू में कई विधायक जो हैं उनके सुर जो हैं वो बागी हो चुके हैं। जी आसिया, चलिए शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो जदयू के कई विधायकों के बागी होने की खबर, तो ये भी खबर है कि जब बहुमत साबित करना होगा सरकार को तो कई जदयू विधायक फ्लोर टेस्ट से गायब भी रह सकते हैं और सरकार मुश्किल में पड़ सकती है। क्योंकि जब नीतीश कुमार ने पाला बदला था तो जो तेजस्वी का बयान आया था उन्होंने कहा कि बिहार में तो खेला अब होगा, तो क्या वाकई फिर कुछ बड़ा होने वाला है बिहार में? क्या वाकई फ्लोर टेस्ट के समय ये जो तमाम जदयू विधायक जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो दूसरी पार्टियों के संपर्क में हैं, आरजेडी के संपर्क में, क्या वो उस दिन खेल बिगाड़ सकते हैं? कई बातें हैं, अब आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि और क्या कुछ राजनीतिक बदलाव होने वाला है। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म।
क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारे केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339।